से बोला, हे मैं मेरी और एक पूछ काट दो। उसने और एक पूछ काट दी। आप उसके पास बचे थे सिर्फ तीन पूछ। अगले दिन उसे लोग चुहाने लगे, तीन पूछ का चूहा, तीन पूछ का चूहा। और फिर वो पानी पिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि से काम करने पर कठिन काम भी आसान हो जाता है। धन्यवाद। छोटा या फिर बड़ा कभी गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी हमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए और छोटा बड़ा भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिसके पास दिमाग और ताकत हो वो कुछ भी कर सकता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जोरा राय है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। इसका शीर्षक है छत्तू टोपी वाला। लंबी यात्रा से थका हुआ टोपी बेचने वाला एक व्यक्ति जंगल की घने पेड़ की छाव में सो रहा था। तभी उसका नाम है दो लकड़हारे। बोल एक गांव में एक आदमी रहता था। वो एक नदी के सामने पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई और पानी से एक सुंदर सी लड़की निकल आई। और उस लड़की ने पूछा, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? और उस आदमी ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, अब मैं क्या करूँ? और फिर वो लड़की पानी से पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई और उस आदमी ने कहा, नहीं ये वाली नहीं कुल्हाड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका मुसारी। मैं आप सबके सामने एक हिंदी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका नाम है छुटकर खरगोश और शेर। उसने और एक कहा, अस्तम तोता मरने का प्लान कर रहा है, दूरबीन से देखता हूँ। और मिल गया भी उसने ऐसे, पर उसने गोली नहीं चलाया। फिर शिंकी आ गया। उसने कहा, अरे तोता को मुझे मदद करने पड़ेगी। फिर उसने दौड़ा। उसके बाद वो शिकारी के पैर में काट दिया। फिर उसने भी दौड़ा सीधा घर में पहुंचा। फिर तोता नीचे आके उसने बोला, धन्यवाद, अब तुम मेरा जान बचा। फिर सिंपल ने कहा, जब किसी की जान मुसीबत में हो किसी की मदद करनी चाहिए। थैंक यू। माना है इसमें जाते जाते एक कुआ दिखा था। यहाँ पर देखा, अपने फेस को देखा और आगे शेर ने बोला, इतना देर क्यों आया? बहुत भूख में थी। खरगोश ने बोला, जी एक शेर भीगा था। शेर ने बोले, रुको मुझे भी भूख लगी। फिर झूठ बोली थी। उस कहानी का नाम है, मैं कहानी पेश करने जा रही हूँ, जिसका नाम है आजाद पक्षियाँ। एक राजा था, उसका नाम था महाराजा प्रताप सिंह। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था तमन्ना। तमन्ना को पक्षियाँ बहुत पसंद थी। ये और हो गया और पढ़ने लगी थी और गुस्सा होकर वहाँ गिरा हुआ से मिला और उनकी मम्मी ने कहा, गिरा हुआ से एक
पानी को पी गया और बहुत ठीक हो गया। थैंक यू। कौवा बहन से कहा, कौवा बहन आपकी सुरीला आवाज से एक गाना गा के सुनाओ ना। जब उसने का करने के लिए करा तो मांस की टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी उसे मुंह में गया। तब शेरखान डाक गया, तब वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया।